बहुत सारे स्ट्रीमर्स अपनी स्ट्रीम की शुरुआत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या तो एनिमेटेड ओवरलेज वगैरह खरीदते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि ये बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जिनकी स्ट्रीम स्टार्टिंग सून वाला जो एक ग्राफिक है वो एनिमेटेड नहीं है, स्टैटिक है, कुछ इंटरेस्टिंग सा उसमें नहीं है, तो वो लोग टाइमर ऐड करते हैं, एक टाइमर चलता रहता है जो कि इन्फॉर्मेटिव भी होता है ऑडियंस के लिए और कुछ हद तक ये जो स्टैटिक स्क्रीन की बोरियत है उसको भी किल करता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो अलग अलग तरीक़ों से कि कैसे हम लोग टाइमर जो है ऐड कर सकते हैं और उस बोरियत को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, स्ट्रीम में अपनी एक और फीचर ऐड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और यूज़फुल होगा। जल्दी से शुरू करते हैं। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और सबसे पहला मेथड जिससे हम लोग ये टाइमर जो है इसको अप्लाई करेंगे अपनी स्टार्टिंग सून वाली स्क्रीन पे, वो ये है कि आप एक फ़ाइल डाउनलोड कर लें, एक हाई क्वालिटी की फ़ाइल, टाइमर फाइल डाउनलोड कर लें। बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल हैं, अगर आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या जिस ड्यूरेशन, जो भी आपको सूटेबल लगे उस ड्यूरेशन की। बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी की फ़ाइल हो और दूसरे जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो। इस टाइप की बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल हैं, मैंने भी ऐसी एक फ़ाइल डाउनलोड करके रखी है, तो उसका ही हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम लोग चलते हैं OBS में, और OBS में हम लोग इस फाइल को एज ए मीडिया सोर्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा शोर आ सकता है पीछे, आज मैं सुबह को शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको इस वीडियो में नज़रअंदाज करेंगे। तो यहाँ पे है, हम लोग जाते हैं मीडिया सोर्स में, इसको नाम दे देते हैं टाइमर, और यहाँ पे इस फाइल को लूप नहीं करेंगे, लूप वाला जो बॉक्स है इसको अनचेक रखेंगे। ब्राउज करते हैं और जाते हैं डेस्टिनेशन पे, डेस्कटॉप पे फाइल है और कुछ इस तरीके की फ़ाइल आ जाएगी। अभी हम लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें करनी है, एक तो इस फाइल के साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना है, क्रॉप करना है दोनों तरफ से, और दूसरे ये कि इसका ये जो ग्रीन कलर है इसको हम लोगों को हटाना है। तो इसके लिए हम लोग दो अलग अलग फ़िल्टर्स ऐड करेंगे। मैं राइट क्लिक करता हूँ, जाता हूँ फ़िल्टर्स पे, और सबसे पहला फ़िल्टर होगा क्रॉप करेंगे हम लोग थोड़ा सा इसको, ये है क्रॉप पैड। ओके, तो यहाँ पे मैं क्रॉप करने की कोशिश करता हूँ इसको, लेफ़्ट राइट से क्रॉप नहीं करते हैं, टॉप और डाउन से थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। लेट्स से 70 फ्रॉम टॉप, तो ये हो गया, इतना कर लेते हैं इसको। और इसके साथ साथ दूसरा एक हम लोग फ़िल्टर ऐड करेंगे यहाँ पर, और ये होगा क्रोमा की। क्रोमा की आप ऐड करेंगे और जैसे आप देखेंगे ऐड किया आपने, पीछे जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। अभी हम लोगों को केवल इसको छोटा करना है साइज़ में, और जहाँ आप चाहें वहाँ इसको पुटअप करना है। मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता हूँ, और जितना छोटा आपको सूटेबल लगे उतना छोटा करके आप कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो एक मेथड हुआ, ये तो एक तरीका हुआ जिससे आप लोग ये टाइमर जो है इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा है कि आपकी कोई कस्टम नीड है, मान लीजिए मेरे को एक ऐसा टाइमर चाहिए, एक ऐसा टाइम चाहिए जिसकी फ़ाइल मेरे को नहीं मिल रही, मान लीजिए 3 मिनट की फ़ाइल है या 4 मिनट की फ़ाइल मेरे को चाहिए और वो मिल नहीं रही है, तो उसके लिए हम लोगों को दूसरा मेथड एक है। हम लोग चलते हैं, देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। तो फिलहाल के लिए मैं इस फाइल को यहाँ से डिलीट करता हूँ, जस्ट बिकॉज़ की इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। लेट्स से प्रेस डिलीट, और यहाँ पे हम लोगों को एक नई चीज़ ऐड करनी है। हम लोग जाएंगे टूल्स में, और टूल्स में जाके सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ध्यान रखिएगा एक टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करना है मेरे को, टेक्स्ट GDI, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूँगा टाइमर। और टाइमर नाम देने के बाद यहाँ पर मान लीजिए मैं टेक्स्ट भी ये लिख देता हूँ इसमें, टाइमर ही, जिससे कि मेरे को पता रहे कि यहाँ पर मेरा टाइम शो होगा। ओके, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इतना करने के बाद हम लोग जाएँगे टूल्स में, स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट में जाके मैं यहाँ इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करता हूँ। ये जो विंडो खुलेगी यहाँ पे आप देखिए एक डिफ़ॉल्ट एक प्लगइन है, और ये है countdown.lua। क्लिक करते हैं इसको, क्लिक ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको ड्यूरेशन देना है कि आपको कितने टाइम का टाइमर चाहिए। लेट्स से मैं सेलेक्ट करता हूँ 3 मिनट के लिए। और टेक्स्ट सोर्स, ये टाइमर कौन से टेक्स्ट पर चलेगा, ये चलेगा जो टाइमर हम लोगों ने बनाया है अभी, इस टाइमर पर चलेगा ये। और पूरा होने के बाद, जब ये टाइमर पूरा कंप्लीट हो जाए, इसके बाद मैसेज क्या आना चाहिए, स्टार्टिंग सून की जगह मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कि लिखा आए गो, कैपिटल में लिख देते हैं इसको, कैपिटल में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और क्लोज़ करते हैं। तो आप ये देखिए टाइमर आ गया, लेकिन हम लोगों को इतना बड़ा टाइमर नहीं चाहिए, हम लोगों को ये घंटे वाला, क्योंकि घंटे में तो कोई भी टाइमर नहीं रखता है, तो हम लोग इसको छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट की प्रेस करेंगे और इसको
जहाँ से आपको क्रॉप करना है वहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारा टाइमर है जो तैयार हो गया ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। अब आप चाहें तो अपने जो स्ट्रीम स्टार्टिंग सून जो आपकी स्क्रीन है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि रेड कलर है या ग्रीन कलर है थोड़ा सा पीछे, तो उसके हिसाब से आप इस टेक्स्ट को भी प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे जैसे चाहें वैसे मैनेज कर सकते हैं। सेलेक्ट कलर, और मान लीजिए मैं चूज़ करता हूँ रेड, तो करते हैं इसको ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि ये रेड हो गया। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, शेडोज़ डाल सकते हैं इसमें, इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपका पूरा स्ट्रीम स्टार्टिंग सून का स्क्रीन है। तो भाई लोग, ये छोटा सा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और घंटा तो आपको बजाना ही है, क्योंकि आपको पता है कि चमत्कार उसी से होगा, जब भी एक नई वीडियो आएगी वो घंटा बज जाएगा और आपको पता लग जाएगा वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।